मुझे लग रहा था कि पाकिस्तान टीम जो है वो हार जाएगी। ऐसे कौन करता है यार इस तरीके से, मतलब हार्ट के मरीज है यार, दिल के मरीज है हम लोगों का। तो खैर हसनैन के ओवर में मैच फिनिश हो गया, उसके बाद हैरिस रॉफ के ओवर में जो है ना एकदम से क्या था ये भाई, पाकिस्तान जीता। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा यार, हमने तैयारी कर ली थी कि आज पाकिस्तान मुकाबला हार गया, अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन यार इस तरीके से कौन करता है यार। बहुत से लोग हार्ट मरीज यार, तुम लोग मरवाने वाले हो पाकिस्तानियों, कौन करता है यार। मैच जीतो, आराम से मैच जीतो, ऐसे थोड़ी होता है कि मतलब एक ओवर में 20 रन खा गए उसके बाद लगा मैच फिनिश है। हैरिस रॉफ आया भाई साहब ने दो बॉल में दो विकेट निकाल दिए, अगले ओवर में मोहम्मद वसीम जूनियर ने मैच जिता दिया यार। और पाकिस्तान टीम भाई साहब क्या टीम है यार, मतलब जीत और जबरदस्त फाइट बैक पाकिस्तान की ओर से, मतलब इस तरह का मैच नसासे जमा देता है यार। दिमाग की दिल की धड़कने जो है वो थम जाती है, बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल, जिसका आप कोई केस नहीं कर सकते, अंदाजा नहीं लगा सकते, उम्मीद नहीं कर सकते। वहां से पाकिस्तान की टीम जीत गई और 8% के लिए ऐसे मैच नहीं होने चाहिए। बिल्कुल जो दिल के पेशेंट मरीज हो भैया, वो पाकिस्तान के मुकाबलों से दूरी रहो। आप कभी जब कहोगे कि पाकिस्तान की टीम 100% जीत गई, वहां से पाकिस्तान की टीम हार सकती है, और जब आप कहोगे पाकिस्तान की टीम 100% हार गई, पाकिस्तान की टीम वहां से जीत सकती है। आप इंडिया को थाम देने वाली मैच कड़ी बॉल तक तो जाने नहीं दिया, कई ओवर की दूसरी बॉल पे रन आउट करके मैच खत्म कर दिया उन्होंने। हारी हुई बाजी जो आप कह रहे थे, हारे हुई बाजी जी आई है पाकिस्तान के लिए, और ये तो आराम से इंग्लैंड जीती दिख रही थी, 7 बॉल पे 4 रन को चाहिए थे भाई। उसके बाद तो ऐसा लग रहा था कि बस मैच खत्म है, उसके बाद हैरिस रॉफ आए वहां पे विकेट निकाले, बस मैच पता नहीं कहां से चेंज कर दिया, और मैच जो ऐसे आपने गेम चेंज कर दिया। काबिले तारीफ है समीक्रम। ये बाजी मीडिया के जो आपने क्लिप्स देखे हैं, इनसे आपको अंदाजा तो हो गया होगा कि गुज़श्ता रात होने वाले मैच में 18वें ओवर के बाद पूरी दुनिया क्या एक्सपेक्ट कर रही थी कि कितनी आसानी से इंग्लैंड ये मैच जीत जाएगा। आखिरी ओवर में सिर्फ 5 रन चाहिए थे, जबकि सेकंड लास्ट ओवर में हैरिस रऊफ को सिर्फ एक चौका लगा, वो भी एक मिस फील्ड थी। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तानी मिडिल ऑर्डर ने एक बार फिर पाकिस्तान को हार के करीब पहुंचाया था, और इसके ऊपर टीम मैनेजमेंट को मजीद काफी सोचो विचार करने की जरूरत है। हमारा टॉप ऑर्डर या फिर बॉलर्स कब तक ये मैच जिताते रहेंगे, क्योंकि मैच में 11 खिलाड़ी होते हैं और हर खिलाड़ी का अपना एक रोल होता है। भारत का मीडिया बर्मला इस बात का इजहार करता दिखाई देता है कि पाकिस्तानियों ने हमें हर्ट अटैक की पोजीशन पर ला खड़ा किया है, क्योंकि जब भी वो कोई मैच जीतते हैं तो इतना क्लोज करके जीतते हैं कि सारी उम्मीद खत्म हो जाती है कि पाकिस्तान ये मैच जीतेगा। हत्ता कि कल के मैच में तो सैकड़ों क्रिकेट शायकीन तो ग्राउंड ही छोड़कर चले गए थे, उन्हें पार्किंग में जाकर पता चला कि पाकिस्तान ये मैच जीत चुका है। बहरहाल आगे चलकर आपको दिखाते हैं कि सारे मामले पर भारत का मीडिया किस तरह के तबसरे कर रहा है, जिससे आप जरूर महसूस होंगे। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। यार पाकिस्तान टीम के बारे में क्या कहूं मैं, मतलब कि मुझे लग रहा था कि पाकिस्तान टीम जो है वो हार जाएगी, तो मैंने थंब भी बनवा लिया था कि जीता हुआ मुकाबला जो है वो हार जाएगा पाकिस्तान। लेकिन यार ऐसे कौन करता है यार इस तरीके से, मतलब हार्ट के मरीज है यार, दिल के मरीज है हम लोगों का, तो ख्याल रखा कर यार, इस तरीके से तो हम लोग मारे जाएंगे यार। जिस तरीके से हैरिस रॉफ ने हसनैन के ओवर में मैच फिनिश हो गया, उसके बाद हैरिस रॉफ के ओवर में जो है ना एकदम से क्या था ये भाई, क्या था ये मुकाबला, मतलब मैं समझना चाह रहा हूँ। हैरिस रॉफ यार आप सबसे बड़ा गेम चेंजर है बंदा, बस एक मिनट रहना। वैसे पाकिस्तान जीता, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा यार, हमने तैयारी कर ली थी कि आज पाकिस्तान मुकाबला हार गया, अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन यार इस तरीके से कौन करता है यार। बहुत से लोग हार्ट मरीज यार, तुम लोग मरवाने वाले हो पाकिस्तानियों, तुम लोग मरवा दोगे किसी रोज, पता चला कि पाकिस्तान में 10,000 लोग जो है मैच देखते हुए मर गए क्योंकि हार्ट अटैक, दिल का दौरा पड़ गया उनको। इस तरीके से कौन करता है यार, मैच जीतो, आराम से मैच जीतो, आराम से मैच जीतो, ऐसे थोड़ी होता है कि मतलब एक ओवर में 20 रन खा गए उसके बाद लगा मैच फिनिश है। हैरिस रॉफ आया भाई साहब ने दो बॉल में दो विकेट निकाल दिए, अगले ओवर में मोहम्मद वसीम जूनियर ने मैच जिता दिया यार, ऐसे में मर जाएंगे यार, हम लोग दिल के मरीज आदमी है। पाकिस्तान को बोलो था ठीक से खेले यार, थोड़ा तो ख्याल कर यार, एकदम से वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए। और पाकिस्तान टीम भाई साहब क्या टीम है यार, मतलब जब कोई भरोसा ना कर, इतना ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल टीम पूरी दुनिया में कोई नहीं हुई है जितना पाकिस्तान की टीम जो है ना अनप्रेडिक्टेबल है। मुझे हार्ट अटैक आ गया कसम से, बोल रहा भैया ने पाकिस्तान जो है ना अब नहीं जीतने वाला, मैंने बोला यार तू थंब बना के दे, ये जीत जाएंगे साले, ये जीत जाएंगे। अगले ओवर मोहम्मद वसीम जूनियर का आता है, मोहम्मद वसीम जूनियर ने देखा मैंने, साले ने उन्होंने आउट करवा दिया। तो यार मतलब ऐसा थोड़ी होता है यार, थोड़ा बोलो आराम से जीते यार, इतना अनप्रेडिक्टेबल ना हो कि आदमी मर ही जाए। गजब गजब, मतलब कैसा लगा मैच, मुझे तो हैरिस रॉफ यार आज के प्लेयर ऑफ द मैच है यार, बंदे की यार गजब गजब बंदा मिला यार। उनको लोग ट्रोल कर रहे थे कि स्पीड, मैं मरते हुए बचा हूँ, ये सही कह रहा हूँ कि मरते मरते बचा हूँ।
भैया इसे कहते हैं क्रिकेट। और आज का मैच जो था दोनों मुकाबला शानदार और क्या बेहतरीन जीत थी, शानदार जीत और जबरदस्त फाइट बैक पाकिस्तान की ओर से। मतलब इस तरह का मैच नशासे जमा देता है यार, दिमाग की दिल की धड़कने जो है वो थम जाती हैं। इस तरह का मुकाबला आज देखने को मिला है, जबरदस्त मैच रहा बीच में। और क्या कहूं मैं, दिल खुश हो गया। बहुत कम होता है कि एक ही दिन जो है इंडिया भी जीते और पाकिस्तान भी जीते, और इंडिया अपने इंडियन स्टाइल में जीती है और पाकिस्तान की टीम अपने पाकिस्तानी स्टाइल में जीती है। बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल, जिसका आप कोई गेस नहीं कर सकते, अंदाजा नहीं लगा सकते, उम्मीद नहीं कर सकते। वहां से पाकिस्तान की टीम जीत गई और हारिस रऊफ अकेले दम पे लास्ट में जिस बॉलर ने आज पाकिस्तान को मैच जितलाया है, उस बॉलर का नाम है हारिस रऊफ। हारिस रऊफ जबरदस्त बॉलिंग, कुछ बेशर्म यूट्यूबर उसको हारिस टेपिया भी बोलते हैं। आपने ध्यान, 100% के लिए ऐसे मैच नहीं होने चाहिए। बिल्कुल जो दिल के पेशेंट मरीज हो भैया, वो पाकिस्तान के मुकाबलों से दूरी रहो। आप कभी जब कहोगे कि पाकिस्तान की टीम 100% जीत गई, वहां से पाकिस्तान की टीम हार सकती है, और जब आप कहोगे पाकिस्तान की टीम 100% हार गई, तो वहां की टीम पाकिस्तान की टीम वहां से जीत सकती है। आप इंडिया को थाम देने वाली मैच, आखिरी बॉल तक तो जान ही नहीं दिया, आखिरी ओवर की दूसरी बॉल पे रन आउट करके मैच खत्म कर दिया उन्होंने। हारी और बाजी जो आप कह रहे थे, हारे जो एकदम हारे हुई बाजी जी आई है पाकिस्तान के लिए, और ये मैच बिल्कुल कभी ऐसे सेकंड इनिंग्स में चल एक रन पे तो आराम से इंग्लैंड जीती दिख रही थी। 7 बॉल पे 4 रन को चाहिए थे भाई। एम डॉसन ने जो मोहम्मद हसनैन को 24 रन मारे जो 18वें ओवर में, उसके बाद तो ऐसा लग रहा था कि बस मैच खत्म है। उसके बाद हारिस रऊफ आए, वहां पे विकेट निकाले, बस मैच पता नहीं कहाँ से चेंज कर दिया। और भारत पाकिस्तान दोनों ने शानदार बहुत ही नजदीकी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को शिकस्त दी है। फिलहाल आते ही उन्होंने 3 विकेट ले लिए, पूरा टॉप ऑर्डर उन्होंने धाराशाही कर दिया। हसनैन जो बाद में पिटे काफी ज्यादा, उन्होंने पहले ओवर में 2 विकेट निकाल के दिए। लेकिन हारिस रऊफ ने क्या बॉलिंग कराई है यार, उसके बाद जो ऐसे आपने गेम चेंज कर दिया, काबिल तारीफ है। और रॉफ को मतलब इसमें मैन ऑफ द मैच मिलना चाहिए। हाँ जी, खुश हो गया दोनों मैच देख करके। और ऐसे ही मैच देखने के बाद लगता है ना कि कुछ लोग जो हड़बड़ाहट में कमेंट करने लग जाते हैं, हड़बड़ाहट में वीडियो बनाने लग जाते हैं, और बीच मैच में किसी टीम को खारिज करने लग जाते हैं, उन टीम को आज उन लोगों को आज सबक मिला होगा कि भैया बीच में मत हड़बड़ाओ। मैंने कई यूट्यूब चैनल पर वीडियो देखे हाफ टाइम में कि बाबर आजम बहुत स्लो खेला, मोहम्मद रिजवान बहुत स्लो खेला।